भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जयंती पर सीधा प्रसारण सुना, उसके उपरांत प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस उपलक्ष्य पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्बाल ने कहा कि भाजपा एवं जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके उपरांत शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1940 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संघ सेवक संघ से जुड़े। उन्होंने बताया कि भारत की आज़ादी में पंडित का अहम योगदान रहा। 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक बने और 16 वर्ष तक जनसंघ के महामंत्री रहे। 1962 में दिसंबर के राष्ट्रीय अधिवेशन में वे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 44 दिन तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मार्गदर्शन एवं विचार भाजपा एक पवित्र ग्रंथ की तरह कंठस्थ करती है। उनके द्वारा भाजपा को दी गई 5 निष्ठाओं को प्रत्येक कार्यकर्ता अपना मूल मंत्र मानता है। पंडित दीनदयाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे, जिसमें सब धर्मों को एक समान माना जाता है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक नीति दी, जिसके अंतर्गत भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चयन एक चुनाव के माध्यम से होता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य व जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। जैसा हम जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने के उपरांत वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और 1940 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। उसके उपरांत सबका उद्देश्य इस राष्ट्र को, इस देश को आजाद कराना था। उस कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अहम योगदान रहा। यही कारण है कि 1947 में देश आजाद हुआ और 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो जनसंघ की स्थापना हुई उसमें संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उसके उपरांत वो जनसंघ के महामंत्री बने। वो 16 वर्षों तक लगातार जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 के अधिवेशन में जो 28, 29 और 30 दिसंबर को हुआ था, उसमें वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वो केवल मात्र 44 दिनों तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और 44 दिनों के उपरांत अर्थात 10 फरवरी 1968 को वो हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मार्गदर्शन किया, जो एक विचार जनसंघ के रूप में दिया, उस विचार को भारतीय जनता पार्टी का वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम सदैव स्मरण करते हैं। उस ग्रंथ में, उस विचार में उन्होंने अपनी पंच निष्ठाओं के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी का आज मूल मंत्र है, हमने कहा कि राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसके ऊपर उन्होंने डिटेल में अपना वक्तव्य दिया। डिटेल में उन्होंने रिसर्च की कि भारतवर्ष एक सब धर्मों को मानने वाला देश है, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर विचार होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होगी, जनसंघ की स्थापना है, वो लोकतांत्रिक पद्धति से होगी। अर्थात जो हमारा आज संगठन की जो भी रीति नीति है, हमारी बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा जो चुनाव होता है, वो लोकतांत्रिक पद्धति उन पंच निष्ठाओं में है। उन्होंने कहा कि समता मूलक समाज, गांधीवादी हमारी समाज की आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अर्थात समाज में सब समान हो, सबको दो टाइम का भोजन मिले, इसकी उन्होंने चिंता की। उन्होंने कहा कि जो
जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी वो वैल्यू बेस्ड मूल्य आधारित राजनीति करेगी, और मूल्य आधारित राजनीति के ऊपर हम विश्वास करेंगे। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सब धर्मों के लोगों को हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, हमारे विचार के साथ जुड़ना चाहिए, और हम सब धर्मों के लोगों को, सब समाज के लोगों को लीड करने की अगर किसी में कैपेसिटी होगी तो इसी विचार में। ये पंच निष्ठाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब दी थी। उनका एक और दृष्टिकोण जिसको एकात्म मानववाद के रूप में जाना जाता है, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद में उन्होंने व्यक्ति की चिंता की, उन्होंने कहा कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, समाज की चिंता की, समाज कैसा होना चाहिए, उन्होंने पूरे संसार की चिंता की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज और विश्व परमपिता परमात्मा से कैसे जुड़ता है उसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने एकात्म मानववाद से लेकर अंत्योदय तक, अंत्योदय अर्थात कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है, समाज के कहीं भी दूर दराज में अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसकी चिंता अर्थात उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो उसको ध्यान में रखकर हमारी योजनाएं होनी चाहिए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बहुत बड़ा विस्तृत मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। जब भी भारतीय जनता पार्टी अपना कोई शिविर लगाती है, अपना कोई भी कार्यक्रम करती है, तो सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पहले अध्यक्ष हुए उन सबको जाना जाता है। आज उसी उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना काल में छोटे रूप में उनकी इस जयंती का मनाने का कार्यक्रम इस अपने पार्टी कार्यालय में कर रही है। सर, बूथ लेवल के कार्यक्रम थे और कहां कहां वो किए जा रहे थे? ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, या मैं यूं कहूंगा कि पूरे देश में आज बूथ लेवल पर हो रहे हैं। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी हमारे 1792 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर हमारे संस्थापक महामंत्री जी का, और जो बाद में हमारे जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जयंती को बूथ स्तर पर मनाने का निर्णय पार्टी ने लिया है, और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आज हो रहे हैं।